संजू के ढाबे में आपका स्वागत है। इसी वक्त सब्सक्राइब बटन को दबाएं और हमारे साथ जुड़ें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाकर हर पल की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। नमस्कार, संजू के ढाबे में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं मीठी बूंदी। बूंदी के लिए चाहिए हमें 1.5 कप बेसन, 1 पिंच कलर, मीठा सोडा, इलायची और बेसन के अकॉर्डिंग चीनी। अब हम बेसन को छान लेते हैं ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। जितना हमने बेसन लिया है उसके अकॉर्डिंग उतना ही हम पानी लेंगे। धीरे धीरे पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। आधा कप पानी इसमें हम और डालेंगे। इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें हमारे कोई लम्स ना रहे। एक परफेक्ट घोल बनाने के लिए इसको 5 से 7 मिनट अच्छे से फेटेंगे। इसमें कलर, 1 चुटकी मीठा सोडा। अब इसको हम मिक्स करते हुए गैस ऑन करते हैं साथ के साथ। चाशनी हम बाद में बनाएंगे, पहले हम बूंदी बना लेंगे। अब हमारा बूंदी के लिए घोल तैयार है। अगर आपके पास कलर ना हो तो आप इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं। इस प्रकार से हम 2-3 बार करके अपनी सारी बूंदी रेडी कर लेंगे। ध्यान रहे हमें हर बार अपनी छलनी को धोना है जिससे हमारी बूंदी गोल बने। हमें अपनी बूंदी को ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना है। अब हम निकाल लेंगे अपनी बूंदी को। अब फिर से हम घोल डालेंगे बचे हुआ हाइट से। हमारी बूंदी बनकर तैयार हो गई है। अब हम बनाते हैं चाशनी। चाशनी के लिए हमने 1.5 कप बेसन लिया था, 1.5 कप ही चीनी लेंगे और 1.5 कप ही पानी। चीनी घुलने तक हम इसको पकाएंगे। हमें किसी भी तार की चाशनी नहीं बनानी, हमें चाशनी ऐसी बनानी है बस शहद के जैसे चिपचिपापन आ जाए। हमारी चाशनी तैयार होने वाली है। अब इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर। अब हम चाशनी को चेक कर लेंगे। आपके पास अगर कलर है आप इसमें कलर डाल सकते हो, केसर है केसर भी डाल सकते हो। अब हम गैस को सिम कर देंगे और इसमें बूंदी डाल देंगे। इसको हम मिक्स करेंगे, उसके बाद इसको ढक देंगे 2 मिनट के लिए गैस सिम करके। हमारी बूंदी बनकर तैयार है। अब आप भी घर पे ट्राई करें और हमें कमेंट में लिख के बताएं कि आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।